आशियाना हो, ये तो हर किसी का सपना होता है। खासकर जब आपको अपने पैतृक घर मिला हो और उसे बेचना पड़े तो बेहद ही कठिन समय होता है। ऐसे ही कुछ हुआ हाल ही में गूगल के वर्तमान सीईओ सुंदर पिचाई के साथ। सुंदर पिचाई का पुश्तैनी घर बिक गया है। एक आम व्यक्ति की तरह ही अपनी प्रॉपर्टी को बिकते देख सुंदर पिचाई की आंखों में आंसू आ गए। सुंदर पिचाई बेशक साल भर में अरबों रुपए कमाते हो, लेकिन उनकी सबसे बड़ी दौलत उनका चेन्नई स्थित पुश्तैनी घर था। जानकारी के मुताबिक सुंदर का ये घर चेन्नई के रिहायशी इलाके अशोक नगर में स्थित है। सुंदर पिचाई के लिए घर इसलिए भी खास था क्योंकि उन्होंने अपने बचपन से लेकर जवानी इसी में गुजारी है। उन्होंने करीब 20 साल इसी घर में गुजारे हैं। बीते कुछ सालों से सुंदर पिचाई अपने परिवार के साथ अमेरिका में रह रहे हैं। ऐसे में ये घर खाली पड़ा था। बीते साल जब सुंदर पिचाई भारत आए थे तो उन्होंने घर की रखवाली कर रहे सुरक्षा कर्मी को कुछ कैश और अन्य सामान उपहार के स्वरूप में भी दिया था। बताया जा रहा है कि जब सुंदर पिचाई ने खरीदार को इस घर के कागजात सौंपे तो उनकी आंखें नम थी। सुंदर पिचाई के घर को तमिल सिनेमा के निर्माता और अभिनेता सी माणिकचंद ने खरीदा है। उन्होंने चेन्नई के अशोक नगर स्थित इस घर को अपनी प्रॉपर्टी बना लिया है। माणिक नंद और पिचाई के बीच इस डील को फाइनल करने में थोड़ा वक्त जरूर लगा, इसलिए तमिल अभिनेता को 4 महीने का इंतजार करना पड़ा क्योंकि पिचाई के पिता आरएस पिचाई अमेरिका में थे। सी माणिक नंद ने इस बारे में कहा है कि जिस शख्स ने दुनिया में भारत का नाम बढ़ाया है उनके घर को खरीदना गर्व से कम नहीं है। उन्हें अपनी जिंदगी की ये बड़ी कामयाबी लगती है। उन्होंने सुंदर पिचाई के माता पिता की सादगी की तारीफ करते हुए कहा, सुंदर की माँ ने खुद फिल्टर कॉफी बनाई और उनके पिता ने मुझे पहली ही मुलाकात में डॉक्यूमेंट सौंप दिए। मैं उनकी विनम्रता और विनम्र दृष्टिकोण से मंत्रमुग्ध था।